नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में दोस्तों, और ये उस सेक्टर का स्टॉक्स है जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करते हैं। और इवरग्रीन सेक्टर से है दोस्तों, FMCG आप इवरग्रीन मानते हैं, उसके अलावा भी कई सारे इवरग्रीन सेक्टर है जैसे स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल, साथ साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है काफ़ी बेहतरीन है। तो वैसे ही स्टॉक्स आपको बताएंगे जो कि लगातार आगे ही बढ़ रहा है, मतलब लगातार इसमें आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसके टेक्निकल चार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आप पूरा इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी के बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। ये काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, अभी देख सकते हैं ये 790 रुपीज पर चल रहा है। और ये आप देखिएगा, ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 1 मंथ में भी देख सकते हैं आप काफी बेहतरीन रिटर्न है। एयरटेल रेट में देखिएगा तो भी काफी बेहतरीन, आप 5 ईयर्स में देखिए तो भी काफी बेहतरीन, मतलब जो भी चार्ट आप लगा लीजिए हमेशा ये आपको पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ मिलेगा। तो आप यहां पर अगर देखिए 2002 से अभी तक में कितना परसेंट का रिटर्न, 11,000% का रिटर्न दोस्तों, 11,000% काफी, एक मल्टी बैगर, काफी अच्छा मल्टी बैगर, 18 साल में 11,000% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन है। साथ साथ वैसा सेक्टर है जो कि इवर ग्रीन सेक्टर से आता है। और यहाँ पर अगर आप गिरावट में ले रहते, देख सकते हैं 2% का डिविडेंड यील्ड, तो 2% एक्स्ट्रा मिल गया आपको डिविडेंड यील्ड के रूप में, तो 11,000% का रिटर्न वो भी हुआ। साथ साथ डिविडेंड भी काफ़ी बेहतरीन है, 1.52% अभी लेते हैं तो 1.52%, लेकिन अगर आप 3 महीना पहले कभी भी लिए रहते, देखते काफ़ी गिरावट आया था तो 357, अगर यहाँ पर लिए रहते तो सीधा समझ जाइए कि आपका 3% का डिविडेंड यील्ड, 3% का डिविडेंड यील्ड मतलब समझते हैं आप कि आपका जो FD पर ब्याज मिलता है उसमें 5-6% आपको मिलता है, तो उसका आधा आपको इसे रिटर्न डिविडेंड के रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद आपको ग्रोथ जो इसमें मिलेगा लगातार वो अलग से, क्योंकि एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर में जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो इसके वेबसाइट पर चलेंगे, कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे, फिर फंडामेंटल और लास्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस को जानेंगे। तो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, उसके बाद कोई भी निर्णय लीजिए। अधूरा वीडियो देखिएगा तो आप आधे ही जान पाएंगे किसी भी कंपनी के बारे में। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंपनी के वेबसाइट पर। तो यह है कंपनी का वेबसाइट कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोरोमंडल है यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर पॉजिटिव, फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है। इसमें आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाइएगा तो फर्टिलाइजर्स हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स हो गया, रिटेल हो गया, S&T नॉलेज सेंटर, तो ये तो खैर अलग चीज़ है। यहाँ पर इतने बिजनेस है, 1, 2, 3, 4 बिजनेसेस हैं इस कंपनी के, और चारों जो है मतलब एक ही मतलब साइट से है। अब जो कंपनियों के काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस होते हैं, 2, 4, 5 होते हैं, तो वो कंपनी आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देंगे, 1 से 2 बिजनेस है और उसमें वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब बिजनेस को एक वाइड रेंज पर फैलाए हुए हैं। जैसे ये इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल तक वो अपने बिजनेस को पहुंचाता है, मतलब बिजनेस का जो एरिया है वो काफ़ी लार्ज होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रोडक्ट जो है 10 तरह का बनाया, 10 प्रोडक्ट बनाता है, 10 प्रोडक्ट में 1-2 प्रोडक्ट भी मार्केट को लीड नहीं करता है, तो उसमें आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखते हुए नहीं मिलेगा। रिटर्न कब मिलेगा? जब प्रोडक्ट का डिमांड हो काफ़ी में, मोनोपोली क्रिएट करता हो और वहाँ से काफ़ी अच्छा अर्निंग प्राप्त करता हो, तब आप जब कंपनी प्रॉफिट मेक करेगी तो आप उसमें शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, साथ ही साथ आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो इन सारी बातों को जानना है। चलिए अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को फटाफट देख लेते हैं। तो कंपनी के सबसे पहले वैल्यूएशन को देख लेते हैं। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, और उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन पर चलेंगे। तो देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन 23,000 करोड़ का एक कंपनी का मार्केट कैप है, RP 18 का है, जबकि यहाँ पर देखते हैं इंडस्ट्री का 10 का है, तो काफ़ी हाई पी पर आपको मिल रहा है, लगभग 2 गुने पर। और डिविडेंड देखते हैं 1200%, मतलब 12 रुपया का डिविडेंड दिया है 2020 में, और यहाँ पर फेस वैल्यू 1 है, और प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से 5 टाइम्स है। डिविडेंड यील्ड 1.52, जो कि आपने पहले भी देखा, डिविडेंड यील्ड काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं कॉर्पोरेट एक्शन पर। कॉर्पोरेट एक्शन में तो 24 जुलाई को इसका क्वार्टर रिजल्ट आया। अब यहाँ पर डिविडेंड देख लीजिए, हर साल डिविडेंड पे करती है, 1 साल में 2-2 बार,
बोनस देख लीजिए, कंपनी जो बोनस दी है काफ़ी पहले 86-78 में, लेकिन स्प्लिट इधर हुआ है 2010 में हुआ है, 2006 में, ये भी आपके लिए बोनस के जैसा काम करता है। तो रेगुलर इंटरवल पर कंपनी बोनस दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शेयर को 10 शेयर बना दिया, तो एक तरह से मतलब हर 2 साल में आपको यहाँ पर बोनस एक तरह से मिला है। और अब जो यहाँ तेज़ी देखने मिल रहा है आपको कंपनी में, तो निश्चित है कि आप फिर से आपको बोनस शेयर मिल सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल पर चलते हैं, तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का प्रॉफिट मात्र 62 करोड़, काफ़ी बढ़ गया यहाँ पर 503, यहाँ से 264, 233, 248। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब कंपनी अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है, कंपनी ग्रो कर रही है। उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न पे जाते हैं, तो कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, 61.72% था 2019 सितंबर में, अभी हो गया 59.6, तो प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा सा घटा है, प्लीज शेयर में काफ़ी कम है 0.01%, ये नहीं के बराबर है, तो थोड़ा सा प्रमोटर का स्टेक बढ़ा है। हो सकता है कंपनी काफ़ी हाई वैल्यू पर चल रहा है, मतलब काफ़ी हाई प्राइस पर चल रहा है, वहाँ प्रॉफिट बुक किया हो कोई प्रमोटर्स, तो ये सारे प्रमोटर्स का आपने देख लिया। यहाँ FIs देखते हैं, DIs देख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड, तो DIs यहाँ पर अदर्स में 9.66, तो सबसे ज़्यादा इसमें DIs का है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 26.5%। उसके बाद इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन है, तो नीचे चलिए, कंपनी के पास रिजर्व देख सकते हैं लगातार बढ़ा है, और अभी है 4359 करोड़, तो रिजर्व काफ़ी बढ़ा है। कंपनी का डेप्ट देखिएगा, काफ़ी कम किया है कंपनी ने अपने डेप्ट को, जहाँ 3000 करोड़ का था वहाँ मात्र अभी 1600 करोड़ का डेप्ट है, तो कंपनी का डेप्ट देख सकते हैं काफ़ी कम हुआ है 2020 के फाइनेंशियल ईयर में। नीचे जाते हैं, कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस 60 करोड़ का है, तो बैंक बैलेंस थोड़ा सा कम है कंपनी के पास, तो यहाँ पर बुक वैल्यू देख लीजिए, बुक वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हुआ है, बुक वैल्यू इंक्रीज करना मतलब कंपनी के पास एसेट जो है अपना वो इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर एसेट माइनस लायबिलिटीज बुक वैल्यू होता है। उसके बाद आप इसके डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को देख सकते हैं, कंपनी का जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है वो क्या कहता है, आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं, तो डिफरेंट रेशियोज में अर्निंग पर शेयर देखिएगा काफ़ी इंक्रीज हुआ है। देख सकते हैं 19 फाइनेंशियल ईयर में 24 रुपीज़ था, 36 हो गया, तो अर्निंग पर शेयर में काफ़ी बड़ा जंप है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, तो 24% जा चुका है, तो काफ़ी जंप हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 38, तो ये देख सकते हैं 2 साल से काफ़ी हाई है। रिटर्न ऑन एसेट ये भी 10.36 हो गया, तो ये भी काफ़ी बढ़ा है, तो सारे पैरामीटर्स पर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है। करेंट रेशियो देखिएगा, मतलब करेंट रेशियो था करेंट एसेट बटे करेंट लाइबिलिटीज का रेशियो, तो 1.44, मतलब करेंट एसेट जो कंपनी का वो भी इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन, 1 से 2 के बीच हो तो ये काफ़ी बेहतरीन होता है करेंट रेशियो, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन। सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स आपने देख लिए, काफ़ी बेहतरीन है। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट्स पर बात करेंगे, क्या लेवल्स और क्या टारगेट आपको इसमें मिल सकता है, मतलब कौन सा सपोर्ट होगा, कौन सा रेसिस्टेंस होगा, क्या लेवल्स और टारगेट होगा। हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया, द डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, अभी जाकर ओपन कीजिए। नंबर 1 ब्रोकर हाउस है, यहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी मिलता है और इंटरडे में मैक्सिमम 20 रुपये, और चार्ट देख सकते हैं कितना बेहतरीन, आप यहां पर हर चीज़ देख सकते हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट्स, तो यहां पर आप जरूर अकाउंट ओपन कर लें। यहां पर बात करें इसके लेवल्स और सपोर्ट लेवल का और टारगेट के लेवल का, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये अपना करेक्शन का फेज जो है, शॉर्ट टर्म का करेक्शन का फेज पूरा कर रहा है, यहां से 1, 2, 3, 4 कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बन चुका है अप डायरेक्शन में, तो यहां से आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है इस तरह का शेप बना रहा है, यहाँ से किसी भी दिन ये ऊपर लेकर प्राइस को जा सकता है, तो किसी भी दिन ऊपर खींच सकता है, तो अगर यहाँ पर ऊपर खींच दिया तो फिर आप इसके अगले जो टारगेट है, अगला टारगेट इसका होगा, पहला जो होगा 800 होगा, उसके बाद जो है 1000 का प्राइस जो है इसका आगे का टारगेट होगा, पहला 800 को पार करता है, मतलब 800 के ऊपर जाएगा तो इसमें काफ़ी तेज़ी आपको देखने मिलेगा, फिर इसका अगला टारगेट जो होगा 1000 होगा। अगर इसमें गिरावट यहां से आ जाता है तो 750 इसका पहला सपोर्ट है, 750 इसका पहला सपोर्ट है, और जो अगर मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ जाता है, मार्केट में फॉल आ जाता है, तब जाकर के इसका जो आपको मिलेगा, जो आपको नीचे का सबसे मेजर सपोर्ट है वो है 640 रुपीज़, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको बन रहा है ये सपोर्ट लेवल 640-630 के पास, ये सबसे मेजर सपोर्ट होगा अगर मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आता है, नहीं तो इसका सबसे जो यहाँ पर सपोर्ट है ऐसे कहें नॉर्मल सिचुएशन में, तो 750 आपको इसका मेजर सपोर्ट है, यहाँ तक ये आ सकता है।
उसके बाद अगर कभी इसमें काफ़ी फॉल आ जाता है तो 640 रुपीज़ तक ही आ सकता है, अगर मार्केट में ही काफ़ी गिरावट आ जाए, मार्केट में ही करेक्शन आ जाए। तो ये हो गया सपोर्ट लेवल्स का, टारगेट भी आपने जान गया 1000 इसका हमारा टारगेट होगा। 1000 को क्रॉस करता है तो आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपने देखा ही ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन है, एग्रीकल्चर सेक्टर से है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित है कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स का टाइम होराइजन आप चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।